पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक दुकान व्यापारी उस वक्त दबंग बन गया जब पड़ोसी दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर सामान ऑटो में लोड करने के लिए निकाल कर बाहर रख लिया। दुकान के बाहर सामान रखा देख दुकानदार आग बबूला हो गया और पड़ोसी दुकानदार से मारपीट शुरू कर दी। घायल हुए दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर उसकी तहरीर ले ली। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ताड़ीखाना चौक के पास का, जहां पर पीड़ित देवेंद्र महेंद्र अपनी दुकान से होलसेल का काम करता है। पीड़ित ने अपनी दुकान से सामान को ऑटो में लोड कराने के लिए दुकान से बाहर निकाला था, जिस पर पड़ोसी ज्योति गारमेंट्स का स्वामी आग बबूला हो गया और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर उसकी शिकायत अपने पास रख ली और बाद में समझौता करा दिया। अभी थोड़ी इस प्रकार था कि मैं मार्केट से आया, तो उनके बड़े भाई जो पन्नी है जिनका नाम संजय है, उन्होंने मुझे अपनी दुकान में बुलाया और उनका इस हिसाब से रहे थे कि अगर कल से हमने अगर गत्ते लगाए तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। और मैंने इतनी बात कही मैंने कहा भैया ये बात अच्छी नहीं है और आपके हमारे बहुत पुराने संबंध है, आप ऐसी बातें कहते हैं शोभा नहीं देती। तो उनका लड़का भी पीछे से आके बोला, माँ बहन की गंदी गंदी गाली पकने लगा और वहाँ पे मेरे उनके साथ ही उनके छोटे भाई सोनू भी वहाँ मौजूद थे और उनके तीसरे भाई बॉबी भी वहीं पर ही मौजूद थे। तो उन्होंने धक्का मुक्की करी, मारा और फिर ऐसा लगा कि शायद मेरी दुकान में भी कुछ या किसी ने गल्ला वल्ले पे भी हाथ डाला। किस टाइम की घटना थी ये घटना? कम एक करीबन एक डेढ़ घंटे पहले की हुई। अच्छा, आपने तहरीर दी है थाने में? तहरीर दी है कोतवाली में। क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कोई हमने कोई गत्ता रखना कोई कोई जुर्म तो है नहीं। बस ये है कि ये इनका जो भाई है वो IFTM में बहुत बड़ा प्रोफेसर है, तो अच्छा। वो अपने आप को कोई नेता वेता भी कहता है वहाँ का, और जो इनके छोटे भाई सोनू हैं वो पेशे थे वकील हैं, तो वो वकालत का गलत फायदा उठा के दूसरे को दबाना चाहते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।